कलयुग में ये सिद्ध साधन भी है और ये साध्य भी है, जो नाम कीर्तन है। बस भावपूर्वक ऐसे नाम कीर्तन तभी माना जाए कि हमारा सही माने में हुआ है, जब एक जोश आ जाए, आवेश आ जाए और हम भूल जाएं कि हम कीर्तन कर रहे हैं। जितनी आंतरिक अध्यात्म शक्ति, उसी के अनुसार हम डूब जाएं कीर्तन, रोना आने लगे, एक आंतरिक एक ऊर्जा शक्ति का वर्धन होता है। जिनका कीर्तन करे वो छुप के देखते हैं, इसलिए छुप के देखते हैं कि अभी हमारी देखने की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हुई। नहीं, वो जहां भक्तजन कीर्तन करते हैं वहां, जैसे सुतीक्ष्ण जी की दशा है तो भगवान वृक्ष की ओट में छुप करके देख रहे हैं, रोमांच हो रहा है, अश्रु बह रहा है, भगवान वृक्ष के सहारे से देख रहे हैं, उनकी स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। तो ये नाम संकीर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा साध्य है। विश्व में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं पर भगवान कभी कहीं किसी के अधीन नहीं देखे गए, पर नाम कीर्तन करने से प्रभु अधीन हो जाते हैं। वो आश्चर्य में चमत्कार नाम कीर्तन में प्रकट हुए, आश्चर्य में जो असंभव। बड़े बड़े संतों ने इसी नाम का आश्रय लिया। हरि बाबा सुबह जैसे अपने तीन बजे उनका घंटा बजता था, ओ जैसे कोई मशीन चल रही हो ऐसे बस घंटा बजाती, चक्राकार घूमती, हरि बोल नाम कीर्तन, मतलब एक शरीरधारी की सामर्थ्य ऐसी नहीं जैसा वो, कभी वो ऐसे किसी की तरफ नहीं देखते, नेत्र ऐसे हरि बाबा रखते थे। कीर्तन का ऐसा प्रभाव, एक नाम बोलो फावड़े से बालू तसले में भरो, उठाओ और डाल दो, गंगा जी उस बालू को नहीं काट पाई, नहीं तो दसवें पचासों गांव बहा देती थी। वहां के लोगों ने प्रार्थना किया, अनूप शहर में हरि बाबा का बांध प्रसिद्ध है, बाबा से कहा कि बाबा सब गंगा जी, अब उसके लिए तो अरबों खरबों रुपया चाहिए। बाबा ने कहा नाम में बड़ी सामर्थ है, हम जैसा कहें वैसा सब करो। एक फावड़ा नाम, तसले में नाम, उठाओ नाम, चलो नाम, डालो नाम, देखते हैं गंगा जी कैसे नाम की मर्यादा को तोड़ते हैं। ऐसा ही हुआ, बालू का बांध लोग नहीं कहते पागल हो, बालू का बांध बना रहे, वो बालू का बांध बना रहे। गंगा जी बढ़ी लेकिन उस बालू के बांध को नहीं तोड़ा, क्यों? उसमें नाम शक्ति। आज तो वहां बाबा वहां कीर्तन करते थे, रोज कीर्तन में जो सौभाग्यशाली जन है उपस्थित होते थे, उनमें एक पधार गए जो निजी जनों में थे, कीर्तनकारों में, रोज कथन श्रवण में पूरा योगदान। बाबा ने कहा, वो बोले बाबा उनकी तो अंतिम यात्रा के लिए विमान सजाया गया और वो बांध दिए गए हैं अर्थी में, और उनका तो वो आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप मिलते नहीं। और नहीं नहीं उनका रोज का कीर्तन का नियम था, बिना कीर्तन के कैसे चले जाएंगे, लाओ उनको कीर्तन। मुर्दा उनका पवित्र होता है शरीर, जो भगवत विमुख होते हैं, भक्तों का संतों का नाम कीर्तन करने वालों को तो चरणामृत लिया जाता है, शरीर पूरा होने के बाद भी वो उनको स्पर्श करने से अंतःकरण पवित्र होता है। भक्ति की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। तो लोगों ने समझा शायद बाबा अंतिम यात्रा की पूर्ति के लिए कि नाम कीर्तन होगा, थोड़ी देर यहां रखे फिर ले जाए। लाए, बाबा ने कहा खोलो, ये कथा नहीं घटना है, कोई हजार दो हजार वर्ष की थोड़ी हुई है, अभी 70 वर्ष हुए होंगे, 50-60-70 वर्ष पूजूड़िया बाबा हरि बाबा ऐसे ही खुला गया, ऐसे खुला। बाबा ने
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। जैसे गरुण जी बड़े बड़े हजार हजार फण वालों को ऐसे ही आहार कर लेते हैं, ये तो हो सकता है, और ये नहीं हो सकता कि सांप का बच्चा गरुण को खा जाए, लेकिन भगवान चाहे तो सांप का बच्चा गरुण को लील जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे सुई का धागा जहां छेद में डाला जाता है तो बड़े प्रयास से डाला जाता है, उससे अनंत ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, उतने छोटे छेद से अनंत ब्रह्मांड पार। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, ऐसे ईश्वर को अधीन कर ले वो है नाम। जीव ही नाम कीर्तन भावावेश में किया, हुंकार मार करके जो शव स्वरूप हो गए थे वो शिव स्वरूप होके बैठ गए। बाबा ने इशारा किया कीर्तन में नाचे, जब कीर्तन संपन्न हुआ तो भगवान का लेट जाओ, लेट गए पधार गए चले गए। आश्चर्य की बात, उड़िया बाबा हरि बाबा हजारों की भीड़ एकत्रित, ये नाम अपार सामर्थ नाम में है। जो ऐसा समझते हैं कि क्या ये ढोल मंजीरा नाचना गाना ये सब एकांत में बैठ करके, ऐसा तो एकांत में बैठकर मनोराज्य होगा देख लो आप, और युग धर्म का प्रभाव होता है। इस धर्म कलयुग का जो इस समय वर्तमान में धर्म है वो नाम कीर्तन है, नाम ही परम लाभ। वैसे चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, पर कल विशेष नहीं आन उपाओ, इसमें तो नाम की ही महिमा है। बहुत मंगल होता है जब आप हरि नाम कीर्तन हरि भजन करते हैं, तो जो अव्यक्त संत हैं अविनाशी हैं वो तो यही हैं वृंदावन में, उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं अपने आराध्य देव का नाम, उनका प्रसन्न होना हमारा भगवत प्राप्ति के लिए विधान बन जाना है। किसी से आशीर्वाद मांगने की तो जरूरत है नहीं। अब आप भजन ना करें और सोचे कोई आशीर्वाद दे दे हम सुख शांति को प्राप्त हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान यहां बैठे हैं यहां, फिर भी हमारी दुख दरिद्रता दोष क्लेश अशांति जन्म मरण नहीं रुक रहा, यहां बैठे छाती में बैठे हैं, बाहर भीतर सर्वत्र वो व्याप्त हैं, पर हमारी दुर्दशा नहीं रुक रहे। पर यहां नाम बैठाल के देखो अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नाम कीर्तन करो, नाम सुमिरन करो, नाम सेवा करो, अपने पास तो नाम ही सब कुछ है। नाम कीर्तन करने से जिन जिन के कान में नाम का वो स्वर पड़ता है वो निष्पाप होते हैं, और उनके हृदय में बैठे हुए भगवान की कृपा आपका आध्यात्मिक उत्थान करती है, बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि नाम कीर्तन करके दूसरे से वाहवाही या कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा ना हो, नाम कीर्तन केवल जगत मंगल के लिए, ये सब जगत ही है, जगत मंगल के लिए भगवत प्रसन्नता के लिए, तो इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और यही साध्य है। नाम कीर्तन जड़ चैतन्य सबको भगवत स्वरूप प्रदान करता है। जैसे कहा गया कि भगवत प्राप्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है, नाम कीर्तन एक ऐसा है कि अगर कुत्ते के कान में नाम पड़ रहा है तो अन्य साधन किए बिना वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। बहुत से प्रसंग आते हैं कि वो वैश्या है पर वो अपने सुख को नाम बुलवाती है, तो वो बुलवाने के कारण वो परम गति को प्राप्त हुई और बोलने के कारण वो सुख परम गति को प्राप्त हुआ। नाम कीर्तन एक ऐसा है, जैसे आसपास बहुत से जड़ चैतन्य है पर वो तपस्या कर रहा है,
तो उस जड़ चैतन्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन यदि वो नाम कीर्तन कर रहा है जोर से नाम, तो जड़ चैतन्य भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। जिस नाम की महिमा अपार है, नाम में प्रीति होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके द्वारा शीघ्र हमारा मंगल होना होता है, ये माया उसी में हमारी अरुचि कराती है। देखो ना, निरंतर नाम जपने की बातें जब सुनते तो ऐसा लगता है अब तो नाम ही नाम चलना चाहिए, घंटा दो घंटा चार घंटा छह घंटा एक दिन दो दिन, फिर वो पता नहीं कहां चली जाती बात। अगर हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, तो सारी भागवती की स्थितियां आ जाएंगी। बहुत से ऐसे संत भगवान को देखा जो शास्त्र पढ़ना ही नहीं जानते। पहले एक तो ऐसी विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं थी, दूसरी बात अर्थ की अव्यवस्था थी, और कमा के बस पेट भरना इतना ही उद्देश्य जानते थे लोग। तो जब उनको कहीं भगवत कृपा से बैराग होता तो पढ़े थे नहीं। अब उनके वचन जब सुने गए तो वेदांत दर्शी जो ब्रह्म सूत्र हैं उनका जो टीका है वो बोल रहे हैं। कभी वेदांत पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, और वेदांत का सूत्र का भाव उनके हृदय से निकल रहा है। कैसे? नाम चल रहा है। गुरु जी ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उससे उनकी ऐसी स्थिति हो गई। सब कुछ है, कितना अहेतु की कृपा का विधान प्रभु किए हुए हैं कि हम ना चाहते हुए भी नाम में लगना ही पड़ेगा। देखो आपको इतने बजे से करना ही है नाम, आपको करना, ये कृपा होती है। ये मन मनोराज्य में फंसाकर साधक को ऐसी फिसलन में खड़ा कर देता है कि वो जान ही नहीं पाता कि मैं फिसल रहा हूं। उसको लगता है मैंने सही निर्णय किया है। दूर रहेंगे मन के अनुसार, मन के अनुसार ना कभी कोई उत्तर होता है और ना कोई परमार्थ होता है। जैसे शास्त्र में या संतों में या सदगुरु में कोई सोचे मन के अनुसार उपदेश हो, मन के अनुसार उत्तर हो, मन के अनुसार सिद्धांत हो, सिद्धांत के अनुसार मन, उत्तर के अनुसार मन, गुरुजनों के अनुसार मन, तब तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर मन के अनुसार सिद्धांत, मन के अनुसार उपदेश, तो फिर वो उपदेश ही नहीं, वो गुरु ही नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बे गही नाश। यदि तुम्हारे मन के अनुकूल उपदेश मिलने लगे, मन के अनुकूल व्यवस्था होने लगी, तो तुम्हारा पतन शुरू हो गया, उत्थान नहीं। पर अपने लोगों को कुछ ऐसा अभ्यास हो गया कि मन के अनुकूल होने पर प्रियता बढ़ती है। हमारे गुरुजी, नहीं बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही। देखो, भोग भोगते हुए भी हृदय की स्वच्छता। अब ये नहीं पढ़ा कि राग द्वेष रहित अंतःकरण से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठा हुआ महापुरुष, जिसके हृदय में न कामना है, न स्प्रिया है, न ममता है, वो भोग भोगते हुए परमात्मा स्वरूप, मन के अनुकूल उतने शब्द पकड़ करके फिर चले। इसलिए मन की अनुकूलता का त्याग करके शास्त्र सदगुरुदेव के उपदेश के अनुकूल मन बना ले, तो कोई मेहनत नहीं करनी होती, भगवत प्राप्ति में सहज हो जाती है। कीर्तन कर रहे हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और उनके हैं, ये बात हृदय में आ गई, अब निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति, कठिन है जब तक आप बोझा लिए हुए। ये जो मैं का बोझा ढो रहे हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे दिमाग के होते हैं कि थोड़ा दान पुण्य कर लिया ना,
तो उनको लगता है कि हम में कुछ है। संतों को देखते हैं कि पग पग पर उनको कष्ट मिल रहा है और वो बढ़िया मुस्कुराते हुए स्वस्थ खाए पिए ऐसे देखते हैं। उनको लगता है कि हम दान पुण्य करते हैं, हम थोड़ा साधन कर हमारा अच्छा है। तुम जितना दान पुण्य साधन करते हो उनके एक सेकंड के बराबर नहीं, उनके एक सेकंड के बराबर नहीं। तो तुम उनके जो शरीर की गति देख रहे हो उनका अंतिम खेल है, इस संसार चक्र से अंतिम खेल है। उनका जो जमा हुआ हिसाब वो भस्म हो गया। आगे जो हो रहा है जगत मंगल है, बीच में जो उनका शरीर रचना करके कर्मों से भेजा गया है मुस्कुरा के उसे भोग रहे हैं और फटाफट जल्दी जल्दी हिसाब होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि खत्म। अब ऐसी जगह पहुंचना है जहां न हर्ष है न शोक है न दुख है न सुख है न लाभ है न हानि है न जय है न पराजय, न जन्म है न मरण है न अपना है न पराया है। एक अलौकिक अलौकिक स्थिति, एक अलौकिक स्थान जहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब जो अपराध वृत्तियों को करके, और ये देखा जाता है प्रायः ऐसा होता है जो भगवत मार्ग में तल्लीन होते हैं, फटाफट हिसाब किया जाता है, दुख पे दुख दुख पे दुख। तो ये जो विषयी लोग होते हैं थोड़ा दान पुण्य के, थोड़ा उनको लगता है हम दान पुण्य के बल से जो है ना एकदम मांगते खाते, वैसे भूल मत करना कभी नहीं, जो वो थोड़ा भी जमा किया है ना वो ऐसे है कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। ये मत समझ ले तुम्हारे दान पुण्य में कोई ताकत है, उनके एक क्षण के भजन में जो स्थिति है वो ब्रह्मांड का दान करने पर भी स्थिति नहीं आ सकती। एक क्षण में वो लाडली लाल की तन्मयता में जो प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मांड का दान कर देने पर भी नहीं। सावधान, हम नाम जप, नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, नाम सेवा, रूप तो बहुत ऊंचाई की बात है। हमारा मन बुद्धि चित्त अहम इसमें सामर्थ्य नहीं है कि उस रूप की भावना कर सके। कहीं तो उसका कुछ ना कुछ तो हो तब तो हम भावना कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण का एक कण दिखा दिया जाए फिर कहा जाए इसी का एक पर्वत है तो आप अनुमान तो लगा सकते हो। हमारे प्रियालाल का जो रूप है देवलोक भूलोक रसातल शून्य का विकुल मत डरिए, कोई ऐसा है ही नहीं कि उस रूप की बानगी दिखा सके। जो को कोटि कलप लग जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे, तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। प्यारी जू और प्यारे जू के रूप का चिंतन कर सके ऐसा अंतःकरण में सामर्थ्य नहीं। हमारे आपके तो जाने दो, बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों की भी ताकत नहीं। प्यारो ढुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो यह ध्यानगम, रूप का ही तो ध्यान होता है। बिल्कुल सच्ची मानना कोई भी रूप ऐसा है ही नहीं जिससे हम उदाहरण दे सकें अपने लाडली लाल का, कोई नहीं। देवनारी नागनारी और नारिते न होई और की और पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं ऐसा जो, ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जो उसी रूप का प्रतिपल रसासों पान कर रहे हैं, उसी रूप में डूबे हुए हैं,
उसी रूप का दुलार कर रहे हैं, वो महापुरुष ये बात कह रहे हैं कि कैसे उसको हम आपको बताएं कि ये जोड़ी ऐसी सुंदर है। तो हमारा आराध्य नाम वो बताएगा रूप, वो रूप का परिचय देगा, जहां क्षमता में ऐसे बड़े महापुरुष नहीं है कि प्यारे जू के रूप की भावना में, वहां एक नाम जापक रूप का ध्यान नहीं, रूप डूब जाएगा, रूप उसमें समा जाएगा, वो जिधर देखेगा रूप रूप छाया रहेगा, जिधर देखता उधर वो जुगल जोरी मुस्कुराती हुई, वैसे केवल नाम का ही, ना ऐसा कोई रंग है, ना ऐसा कोई रचने वाला है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे उस रूप का थोड़ा भी परिचय दिया जा सके, थोड़ा भी परिचय, बस अनिर्वचनीयम, उसको बोला ही नहीं जा सकता। जितना बोला गया है, महापुरुषों ने बाद में कह दिया है, जितना बोला गया है वो बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए है। नहीं तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, अगर एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्याए हो तो भी प्यारी जी के रूप कौन प्रमाण कहे हो जाते हैं, अति ही अबाध रूप का सिंधु लाड़ लीजू, ये परिचय केवल नाम देगा। जैसे अन्यत्र साधनों में वर्णन करते हैं संत महा, रूप का ध्यान करो। हमारे यहां हमारे नाम का ध्यान करो, नाम का गान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का जप करो, नाम की सेवा करो, रूप बात विराजमान है, लेकिन इसी रूप में जो रूप है वो नाम खोलेगा, जब वो रूप प्रकाशित होगा तब हो गया। नरक निरख स्वरूप कुंवरी राधे को है, न सोई न जगी अखियां रूप के रंग, ऐसा रूप, ऐसी उच्च कोटि की अवस्था आ जाती है उस उपासक की। हमारा सारा प्रयास नाम में होना चाहिए, नाम सच्चिदानंद प्रभु से भी ज्यादा दुलार करने वाला है, ये बात समझ लेना। आप नाम को शब्द मत समझना, जैसे राधा ये शब्द, ऐसा मत समझ लेना कि ये शब्द है, प्रभु इसके अधीन है। राधा अगर ये नेत्रों में छाया हुआ है, राधा राधा राधा, सब स्थितियां आपका स्वयं वर्णन कर लेंगी, बैठा लो अपने हृदय में, आनंद लेने के लिए चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन साधन और साध्य संबंधी समाधान हो जाना चाहिए, कोई चित्त में प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये रूप प्रकाशित होता है, ये किसी के आयास प्रयास से नहीं आता है, जो हमारी जुगल जोरी का स्वरूप है, सुन अभूत भूतल पर यही विराजमान है, ऐसा रूप ऐसा सौंदर्य अभूत देखा ही नहीं गया, और इसी भूतल वृंदावन पर यही विराजमान है। नाम पर्दा हटाएगा तो आप कहोगे कि जैसे पद में भगवत ऋषि जी कहते हैं कि झपट लाडली लाल, पर्दा हटा करके लाडली लाल प्रकाशित हो जाते हैं। पर्दे के पीछे कोई बैठा है वो कब पर्दा हटा कर देखेगा, जैसे आप पीछे बैठे हो कृष्ण मोहिनी जी, समझ रहे ना, नाम जे ही लाडली लाल हाराधा हाराधा, कौन है कौन पुकार रहा है, आ गए ना, समझ लो, नाम छोड़ दिया तो पर्दा नहीं हटने वाला, नाम चल रहा है कहीं कोई पर्दा नहीं रहेगा,
कहीं कोई, इसलिए नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान, नाम का एकमात्र भरोसा। ये लाडली लाल की तरफ से हो रहा है, पकड़ लो, क्योंकि हम तो जो लाए थे तो अभी रखा ही है, ये उनकी तरफ से प्रसाद मिल रहा है, इसे पकड़ लो। पूर्ण अभी हो, अभी कब भगवत प्राप्ति होगी, बहुत दिन हो, अभी हो गई तुम्हें, क्या भगवत प्राप्ति हो गई, विकार तो है, संसार तो है, नाम है ना राधा नाम। अब अभी शरीर छूटे, अभी श्री जी के पास जाओगे, अभी कोई स्थिति नहीं, पर अभी श्री जी के, अभी राधा वैश्यागामी है, पुत्र को पुकार रहा है, सर्वज्ञ भारी पार्षद नहीं जान रहे, नारायण प्रकट हो गए, चार भुजा धारण किए हुए, दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए, एक इधर और यमदूतों के पास काट दी, बातचीत कर रहे हैं, एक नाम। और जो नारायण जिस नाम को जपते हैं वह राधा हरि, विविध अवतार विविध रूप उन्हीं के हैं। अपने लोगों के पास जो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हुई है वो वृंदावन की कृपा से, रसकों की कृपा से राधा नाम है। इसे जीवन बना लो, इतना मीठा और इतना सहज है राधा, कितना सहज है। और इसमें युगल सरकार समाये हुए है, राधा नाम में प्रिया प्रीतम है, राधा रसदात्री और धारण करने वाले, अर्थात युगल सरकार प्रिया प्रीतम विराजमान। नाम जीवन है, यदि नाम चल रहा है तो शब्द याद रखना, कोई भी शास्त्र का ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित ना हो जाए, पर निकुंज का प्रेम प्रकाशित नहीं होगा अगर ये नाम नहीं है तो। कोई भी नाम हमारे प्रभु की सब सामर्थ्यशाली है, नाम जपने वाले को सब ज्ञान हो जाएगा, पर अगर ये नाम नहीं है, पराविद्याय राधा, ये नहीं आएगा निकुंज का रस। प्रभु के अन्य सब भावों का, अन्य सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वृंदावन प्रेम रसधाम नवनिवृत्त निकुंज की महारानी जी के साथ जो रसमयी लीलाएं हैं, अन्य किसी नाम में ये दर्शन कराने की सामर्थ्य नहीं। नहीं तो कोई कुछ भी जप करके देख सकता है ना, क्योंकि ये जो आगम निगम पुराणों में लिखा हुआ है, जो महामहिम प्रभु का ईश्वर है, कोई भी नाम जप करो सब प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन जो आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अब ये सब नामों का फल होगा हरि की कृपा से राधा नाम में प्रीति होना। ये हम अपने भी जीवन की बात बता रहे हैं। यदि हमें परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी की कृपा से वृंदावन धाम और रास रस का रसास्वादन ना कराया जाता तो राधा नाम का परिचय ही नहीं था, फिर राधा रूप ये तो बिल्कुल अगोचर बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो कोई ऐसा सुकुमार परम तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है वो अलक्षम किसके, निखिल निगमई रप्यति तराम, जितने वेद शास्त्र पुराण है सबसे अलक्ष है ये रस महारानी जी का, जो वृंदावन प्रेम रस है। स्वयं श्री हरि जिनका नाम निरंतर रटते रहते हैं प्रेम विवश होकर, वो हमें सदगुरुदेव की कृपा से मिला है। भ्रम में मत पड़ना, किसी और साधन की सामर्थ्य नहीं है निकुंज के द्वार तक पहुंचाने की भी, एकमात्र वृंदावन धाम की कृपा से राधा नाम का स्फुरण
राधा नाम की आशक्ति ही संपूर्ण प्रेम वैभव का बोध करा देगा, संपूर्ण प्रेम वैभव का। नहीं तो प्रेम का परिचय प्राप्त होना, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भगवान के समान हैं, उद्धव जी तदरूप हैं, श्री कृष्ण रूप हैं, वो स्वरूप तो है ही है पर तदरूप भी हैं। एक बार जो भी देखता था तो प्रभु ने अपनी पोशाक भी पहना दी थी, तो एक बार तो सबको लगता था श्याम सुंदर आ गए, तदरूप भी हैं और बहुत बड़े भगवत भक्त हैं और इतने ज्ञानी हैं कि भगवान सलाह लेते हैं। अब पढ़ के देखो चरित्र, उद्धव जी से सलाह लेते हैं भगवान, अब क्या करना चाहिए, अमुक अमुक कार्य, इन दो कार्यों में से कौन सा कार्य करें, उद्धव जी सलाह देते हैं। ऐसे महापुरुष भी प्रेम का परिचय नहीं जानते, ये वो देश है जो प्रेम का परिचय कराता है और प्रेम का गाढ़ स्वरूप राधा नाम है। राधा नाम प्रेम का गाढ़ स्वरूप है। राधा, श्री कृष्ण प्रेम समुद्र हैं, पर राधा ऐसा उच्चारण करके आंसू बहाते हुए एकांत में वो गान करते हैं, नृत्य करते हैं और कहते हैं राधा नाम मेरा जीवन है, राधेति मम जीवनम। ये बात बाहर नहीं है, अपने लोग कृपा से धाम का आश्रय प्राप्त कर लिए तो रजरानी से परिचय मिलेगा। अब हमारा जीवन हो जाना चाहिए नाम, नाम